जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चस्सा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है। बच्चे तू यहाँ क्या कर रहा है भोसड़ी के? बच्चे तेरी माँ की आँख। हाँ तो आगे तुम लोग आना ही था क्योंकि आज हम बात करेंगे बचपन के प्यार के बारे में। और जो तुमने अभी वीडियो देखा ये था ओरिजिनल, इस बच्चे से इसके टीचर ने ये गाना गवाया था एंड वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे इसके टीचर ने अपलोड कर दी थी। और जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि अब ये हर जगह चल रहा है, जो इतना क्रिंज लगता है, इतना क्रिंज लगता है कि क्रिंज की भी गांड फट जाए सब देख के। एक बार तुम भी देख लो। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चस्सा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। बस यही तो देखना था कि अच्छे से मुंह हिलाया ना, मतलब गाना इसने गाया, पूरी मेहनत इसकी थी और वीडियो इसके टीचर ने अपलोड करा, पर व्यूज ये लोग छाप रहे हैं साहब। बस बेटा आपकी ये टैलेंट देख के एलन मस्क की गान पड़ गई है भाई। और कोई इन मैडम को बताओ कि चश्मे लगाने के बाद आप क्यूट लगे ना लगे, पर मियां खली। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अबे ओए चूतियों का सबसे गांडू वर्जन, फिल्टर की हेल्प से जितनी तेरी आंसू निकल रही है ना उसको देख के मुझे ये समझ में आ गया है कि तुझे बचपन में प्यार हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन तेरी नाक ऐसी बहती होगी जैसे तेरे फिल्टर वाले आंसू बह रहे हैं। अरे भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बॉडी वॉडी बनाओ, सुखड़े हो साले और सुखड़ जाओगे। अबे साले मतलब तू एक्टिंग कर रहा है, मुंह से हक रहा है भाई, कम से कम यही बता दे। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चस्सा मेरा प्यार है। अभी चौथी फेल चोमूलाल के ससुंदर को देखो। अरे भाई इलाज के पैसे नहीं तो अंबानी से मांग ले, बट प्लीज ऐसी बकचोदी मत कर, क्योंकि तेरी ये वीडियो देख के मुझे वही फीलिंग आ रही है जैसे सलमान भाई की एक्टिंग देख के आता है। चलो सबसे ज्यादा व्यू तो इसने छापा है भाई। चलो इसकी वीडियो पर 1.4 मिलियन लाइक्स हैं और 29 मिलियन व्यू है। चलो जितना ओरिजिनल पे व्यू नहीं है उससे ज्यादा तो इन पे है। लौड़े पता नहीं क्या चल रहा है इंटरनेट पे, कोई कुछ भी कर रहा है और उस पे मिलियन पे व्यू भी आ जा रहे हैं। छह जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चस्सा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब इसे कहते हैं कंटेंट, कंटेंट नहीं कंटेंट, कि कंटेंट जब मिठाई की तरह बट रही हो तो उसमें भिखारी ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो लो आ गए तुम्हारे भिखारी जो मिठाई मांग मांग के मिठाई की ही गांड मार देंगे। अबे भाई क्या इन चारों ने बचपन में मार ली थी क्या जो इनके साथ ऐसे गाना गा रहा है? हा? अब इसको छोड़ो इसको देखो भाई। भाई ऊपर मियां खलीफा बैठी है क्या जो ऊपर देख रहा है तू? मतलब ये लोग करना क्या चाह रहे हैं यार, और समझाना क्या चाह रहे हैं जनता को, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से इस गरीबों को ऋतिक रोशन को देख लो, चला इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ऋतिक रोशन को पोलियो मार दिया है बहनचोद। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चस्सा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। हाँ भाई तुम लोगों को तो मैं तो भूल ही गया था। तो भाई ये वो लोग हैं जो खामखा फेमस हो गए थे। अब मैं खामखा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे और लोगों को झांट नहीं पता कि ये फेमस क्यों हुए थे। ये वैसा ही है जैसे बचपन में कोई बच्चा टट्टी उठा के फेमस हो जाता है, खामखा। और क्या तुम साहिल खान लाइट वर्जन को देखना चाहते हो तो ये देखो, और इस पे भी वही ऋतिक रोशन वाला डायलॉग बना लो। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। भाई भाई बचपन की प्यार को भूलने की बात तो अलग है, पर अगर अभी वो तुम्हारे साथ होती ना तो अभी 70% भुला देती, क्योंकि दब के मरने से अच्छा भुलाना कई गुना बेटर ऑप्शन है। और भाई तुम कतई बप्पी लड़ी पार्ट 2 लग रहे हो, सो प्लीज बंद करो, भगवान के लिए वीडियो बनाना बंद करो। एंड जो आपने अपनी वीडियो के नीचे लिखा है ना उसको देख के आपकी क्रश इम्प्रेस हो या ना हो, लेकिन आपकी ये बकचोदी देख के डिप्रेस जरूर हो जाएगी। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चस्सा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आए हाय चोमूलाल का छठा ससुंदर, अब इसको देख के क्या तुम्हें तुम्हारी बचपन की याद आई? नहीं नहीं, पर मुझे तो आ गई भाई। तू मेरे बचपन में एक ऐसा ही बच्चा मेरे घर के बगल में रहता था जो गोरा था, चिट्टा था और चिट्टे के साथ साथ चूतिया भी था, क्योंकि उसके नाक और आँख के साथ साथ उसका गान भी बहता था जैसा इसका बह रहा है। मतलब इसको देखो भाई, कौन से एंगल से ये 18 मिलियन वाला बंदा लगता है यार। चलो मुझे तो यही नहीं पता कि इसकी शादी किससे होगी, लड़के से या लड़की से। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चस्सा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब इसको कहते हैं एक्टिंग के साथ साथ बच्चे की मेहनत की भी गांड मारना। मतलब जितना ज्यादा इसने अपना मुंह हिलाया उससे ज्यादा तो इसने वेरिएशन दिखा दी। अरे दीदी तुम टिकटॉकर ही हो ना, कुछ और तो नहीं हो, क्योंकि जितना गंदा तुम इंटरनेट पे अकती हो उतना तो ये भी नहीं अकता। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। मैडम मैडम ऐसे गान टेढ़ा करके बोलोगी ना तो बचपन के प्यार की बात तो छोड़ो, जो प्रेजेंट में भी होगा ना वो भी ठेंगा दिखा के भाग जाएगा। चला एक तो पहली नजर में मैं आपको समझ ही नहीं पाया था कि आप है क्या चीज, वो तो बाद में समझ में आया कि आप इंसान है, नहीं तो मैं आपको दूसरे ग्रह का एलियन समझ के बैठा था, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे कमर टेढ़ा करके और ऐसे आईफोन दिखा के कोई वीडियो नहीं बनाता। मालिक क्या बात कर रहे हैं, बनाते तो है लोग। हाँ तो वो इंसान भी कहाँ है? जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल।
किया है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। दिखाता है मादर चार साला। मैं कब से वेट कर रहा था कि मुझे कोई टैलेंट दिखे, आखिरकार मुझे टैलेंट दिखी गया। विनोद 700 ऑस्कर का प्रबंध कर भोंसड़ी के, अंकल ने एक्टिंग और नरेशन करके मेरी गांड फाड़ दिया भाई। ओके मालिक करता हूँ प्रबंध, और दर्जी बुलाना है या नहीं गांड सिलने के लिए। तो अब जब हमारे इंस्टाग्राम का सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर एलन मस्क की स्टैंड पे वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज पीछे रह सकते हैं क्या? नहीं। तो ये देखो, दिखाता हूँ मैं तुमको वीडियो। चलो एटलीस्ट कुछ चेंजेस देखने को तो मिला, नहीं तो ये लोग जैसा पाए थे वैसा ही हग रहे थे। कम से कम बादशाह भाई ने इस बवासीर में नींबू तो निचोड़ा, पर बादशाह भाई जितनी तेजी से आप उछल रहे थे ना, अगर आपकी नीच की ठुड्डी पर लग जाती ना तो इसकी ठुड्डी बुड्ढी हो जाती। सो प्लीज बी केयरफुल, ऐसे मत उछला करो भाई। हाँ, तो इसीलिए हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि अपना मुंह रोज धुलना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही मुजरा करते वक्त आपका मुजरा अचानक से रुक सकता है। सो अगर आपको भी करना है मुजरा, वो भी इस बच्चे के गाने पे, तो घर लाइए चोट गेट। ये आपकी सांसों के बदबू से आपको छुटकारा दिलाएगा, और साथ ही स्टेमिना आपके दांत को सफेद करेगा। तो बाकी आज मैं थोड़ी यही खत्म करते हैं, और ये वीडियो सिर्फ एक मजाक था तो मजाक की तरह ही लेना। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट में मुझे बताओ कि वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय।